लग रही है पकड़न। के बार हरियाणा में एक उसका वीर साहूकार सपना चौधरी का छोरा आया है, वो सोशल मीडिया पे गलत बोलिया, सब तक गलत बात है उसकी यार। पर्सनली जिस थी पोस्ट गेड़ी थी उसकी, जिस थी कहना उसका फोन करके गाल दे दे चक उसकी कि मैं कह ले उसका के मतलब है। सोशल मीडिया पे आगे पब्लिसिटी स्टंट करना के मतलब है यू। रही बात कनिया भी जाट पोस्ट गिड़निया भी जाट गाड़ देनिया भी जाट उसके खिलाफ लाइव आनिया भी जाट टेम दिन धरनिया भी जाट बता रहे क्या ते नारी खाए जो एक रहे जाटा गए। मैं भी जाट सूं कदे किसी भाई के न्यू और जाति वाला हो जो पर्सनली नहीं जानता हो कदे न्यू सोचा भाई और जाति यार जाट है मैं जाट सूं और इसे बात की कह ली है। इसे कौम का बिरानी के खाज रह रहा है धक्का तो उड़दा तीर लेने वाले काम कर रहे हैं वो सवेरे। मैं राहुल कुमार हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा मकसद सामाजिक आध्यात्मिक मुद्दों को उठाना है। जो भी आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक मुद्दा हो वो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना ताकि हम आपके मुद्दे पर बात कर सकें। आइए जानते हैं आज का मुद्दा हमारा क्या है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। लाइक कमेंट व शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। लग रही है पकड़न के बार हरियाणा में उसका वीर साहूकार सपना चौधरी का छोरा आया है, वो सोशल मीडिया पे गलत बोलिया, सब तक गलत बात है उसकी यार। पर्सनली जिस थी पोस्ट गेड़ी थी उसकी, जिस थी कहना उसका फोन करके गाल दे दे चक उसकी कि मैं कह ले उसका के मतलब है। सोशल मीडिया पे आगे पब्लिसिटी स्टंट करना के मतलब है यू। रही बात कनिया भी जाट पोस्ट गिड़निया भी जाट गाल देनिया भी जाट उसके खिलाफ लाइव आनिया भी जाट टेम दिन धरनिया भी जाट बता रहे क्या ते नारी खाए जो एक रहे जाटा गए। मैं भी जाट सूं कदे किसी भाई के न्यू और जाति वाला हो जो पर्सनली नहीं जानता हो कदे न्यू सोचे भाई और जाति यार जाट है मैं जाट सूं और इसे बात की कह ली है। इसे कौम का बिरानी के खाज रह रहा है धक्का तो उड़दा तीर लेने वाले काम कर रहे हैं वो सवेरे सुंदर पहलवान लाइव आ गए बात कह के जा रहा है। बहुत बात बहुत भाई तो सुन भी ले होंगे उसकी मैं बात है, लेकिन बहुत भाई ऐसे हैं जो जिन्होंने स्वाद दे रहा है स्वाद है रहे इन चीजा में उन्हें। हाँ उसका कह दिया उस कलाकार के जुगर थोड़े दिन पहला सिद्धू मूसे वाला की बब्बू मान की कंट्रोवर्सी शुरू हो रही थी नी, उसके फैन उसकी गेड़े थे उसके फैन उसकी गेड़े थे, तो भाई इसमें खंचा तानी होएगा रहा अगे लग गया रहा है समाज खराब होएगा रहा इन चीजा का, तो क्यों टोल लग रहा देने दम क्यों शेयर करो इसी वीडियो ने। को किसान रोड पर मरदा हो को आत्महत्या करदा उसकी बात ने तो आगे ठाने का बजाय न्याय लड़ पड़ो मड़ा है उसे मैं कहने गैड लैग जाए उसे ने शेयर पे शेयर 5-5 हजार 10-10 हजार शेयर सांझा तक मिलियन मिलियन व्यू हो पावा उनकी वीडियो के तरीका है यार यू। जिन चीजा ने समाज टूटा समाज बंटा उन चीजा ने तो तमें धड़ाधड़ शेयर कर दो। किते कोई गरीब है किसे ने हेल्प की जरूरत है किते किसान आत्महत्या कर रहा है या किसी गला गलत ना इंसाफी हो रही है तमने उस चीज की जानकारी है उन बातों ने जाकर शेयर करो तमें उन बातों में जाएगा आवाज उठाओ ना करो शेर भी वीडियो उड़ जाएगा बोल लो उन कह दो समझा दो उन चीजा में तो बोलिया कौन जावे और गेट दो कलाकार लड़ पड़ो सांझ तक पहला हजार पोस्ट हो ही पाऊंगी और कहा मैं उसका फैन हूं रोन कहा मैं उसका फैन हूं इन ते किसी का कोई मतलब नहीं। या उरे भी राजनीतियां शुरू हो रही है बिना काम गिर जिसका कोई मतलब नहीं किसी का कोई आनी जानी नहीं दो आदमियों का रोला आपस का। असल में तो सबसे पहला तो उसका घर का मैटर था वीर साहू का किसी ने इसका जिक्र इन छेड़ना था चलो उती छेड़ दिया था जो सवा ने भी वह पोस्ट गेड़ी थी मैं नाम नहीं लेना चाहता सबने मेरा है। दूसरा ने उसकी भी उससे कह दिया भाई तू आप पोस्ट डिलीट कर दे उसकी कौन ही करी यह जो बात सुनना मा यहाँ हालांकि भी त्रबड़ के किसी ने देखा गलती किसकी है कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट मानू मैं तो इन चीजा ने तो उसकी नहीं मेरा उसकी उन्होंने कह बोला उसकी फोटो कौन डिलीट करी मैंने परिवार पांच आई तो मैंने जहाँ तक लाइव है कह ये बात कही चल लाइव है क्या कह दी सब तक गलत बात गैल दे वह सोशल मीडिया पर सारा देश देखा है इतने जने के बहुत से लोग इन्हें फॉलो करे हैं
इनके नक्शे कदम पर चलने की सोचे हैं, तो मतलब यू नक्शा कदम देवेंगे आने वाली पीढ़ी ने। उसकी गलत करे था, उस द्वारा डायरेक्ट फोन कर, नंबर भी होगा तेरा द्वारा, ऐसी बात नहीं है। जिस थी वह पोस्ट गेड़ी थी, जो तेरा चाहने वाला था उसकी पोस्ट गेड़ी, तो उसका सीधी सी बात है तेरा पे नंबर पाऊगा, तो उसने सीधा बोल फोन करके तू भाई तने गलत कर रखी है, और तू काट नहीं काटा, FIR कटवा और कर जो उसका है। सोशल मीडिया पर एक स्टंटबाजी करने की जरूरत थी और तन्ने कर दी, फिर वह समाज के ठेकेदार कई खड़े हुए हैं, वह उसके खिलाफ बोलने लगे, दिक्कत किसने हुआ है, आपस में भिड़ गए। ईसा उसका है, मैं दूसरा की नहीं कहूंगा, मेरे तय मैंने कहा चलो वीर साहू भी कैमरा मैंने अच्छा लगता, वो उसकी वीडियो गाने अच्छे लगते हो मैंने। दूसरी बात, जाट कौम गले भी खड़ा होना पड़ेगा, इब उस गले जाऊं तो गलत, उसके गले जाऊं तो गलत। तो पहली बात तो कोई भी भाई जो मैंने जानता हो या जो सुन सके या बात जिस लग पहुंचे तो उड़ा जाने का कोई फायदा नहीं, दो आदमियों की लड़ाई है, गणा टूल देगा मैं भारत बनाने की जरूरत को नहीं थी, ठीक है। ओनू कहे मेरे चाण वाले उड़ाओगे, ओनू कहे मेरा समाज वाले उड़ाओगे, तो ये बात है बिना काम की फालतू की टोल देने की, ठीक। समाज पाटागा इसका और कुछ नहीं होता, इसका आखिरी निष्कर्ष यो है, इसका समाज पाटागा, ठीक है। 10-20 बार यही पर्सनली दुश्मनी शुरू है इसका इस बात है। तो भाई उन लग जाए मेरी बात जावा है, तो मैं उन्हें के सलाह देना चाहूं, आपस में बैठ के इस बात ने नमेड़ लो, ये फालतू सोशल मीडिया पे आकर समाज तोड़ने का काम ना करो, ठीक है। कल ने तार ही उसमें किसी का घर उजड़ जाएगा, कोई किते बैठा होगा वो उसका जिक्रा करेगा, उसका जिक्रा करेगा, उनके खुंड बैजे पाओगे, तारा कुछ नहीं जाना, तू तेरा घर शांति तरह होगा, उसका घर शांति तरह रहेंगे, तू तेरी जिंदगी मौज तक काट रहा है, उसकी सबने बेरा है, ठीक है। जनता ने बहुत प्यार बहुत इज्जत दे रखी है धरते, उसकी शांति तर रख लियो, बनाए रखो उसकी। किसी शान आदमी ने कही थी, गा तर इज्जत बनाने तो बहुत शान हो, उन डैट कर रखना बहुत औखा हुआ है, और किसी ने छोरा गात मन जिगर नहीं, उसका गात में गर्रा जिगर है, ठीक है। और वो काम इज्जत का हुआ है, इज्जत बनाने लायक जिगर आदमी बन जिगर है, समाज उसकी पलखा बिठाए लेकर है, फिर न्यू न्यू एक दौड़ा बैठ कर मुतन लायक जे हो, और सारा देश ने फद्दू लायक जे मानने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों ने उरे बंद कर दो, फालतू का टोल ना दो इन बातों ने, क्यों कौम का नाश लग रहे हो करना, पहला ही कौन नहीं, पहला ही उजड़ी पड़ी है कौम, तो सबने बेरा है, सबने बेरा इस चीज का, अपने जितनी आपस में फूट अपनी कौम में है नहीं, इतनी किसी में नहीं, सबने पता इस चीज का। कोई भाई बुरा ना मानियो इस बात ने, बात जाटा खातर हो रही है, मैं खुद जाट जाति से बिलोंग करूं हूं, ठीक है। अपनी कौम में सबसे ज्यादा फूट हो रही है, और इन फद्दू फद्दू बात है उस भी आज मैं फालतू मैन को इस बकवास और वाहियात कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा होगा सोशल मीडिया पे, और उन फालतू की बात ने असल शेयर करनी है, फालतू जो इसी फालतू की बात ने शेयर करे, क्यों टूल लग रहे होता हम देनी इन बातों ने, मिले के इन चीजा दे, एक करो किसे भी जाति में जानते पहला आप किसान कौम ते बिलोंग करा हाँ, तो किसान भाइयों का साथ दो, मैं इसी चीज पे जोर दे रहा हूँ। जितनी मेरी मेरे ख्याल से लाइव वीडियो आई है, तो मैं मोस्टली किसान पे बोलिया हूँ, एक दिन बस वो रेप कांड पे बोलिया था, वो भी बाद में क्लियर नहीं हुई थी, वो सही है गलत है, तो मैं उस बात पर जाना चाहता बोर्ड का ना, मैं दोबारा तो उस बात पर बोलिया, ठीक है। तो ये मैं न्यू कहूँ था, हमने जितने भाई मेरी बात सुन सके हैं, जितना लग भी आवाज जैस का है, जितना तक ना मैं शेयर करके पहुंचा इसको, मैं एक के बात कहूँ, किसी भी जाति में बंटने से पहला एक कौम हो किसान कौम से जुड़े, हर जाति में किसान है, हर जाति का बंदा किसान है, ठीक है। तो अपने सबसे पहला अपनी कौम का साथ देना है, जो मजबूत कौम है अपनी, जो किसान कौम है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, ना ये टुच्ची बातों का साथ देना है, जो टुच्ची बातियां हो रही है नी, वह उसका छोरा है क्या, उस मेरे यार बात की रही है, ब्याह किसे अगर आ रहा है, मुकदमा किसे का होने लग रहा है, तो इन फालतू की बातों ने क्यों टोल दे रहे हो भाई,
टेम टेक रहे हैं, लड़ लेंगे भी लेंगे भाई जिसमें दम होगा आपस में। सोशल मीडिया भाई यही चीज चल रही है, यही यार को तरीका है करा, क्यों क्यों समाज की लाग रहे हो बाण गोडने। 5-4 लाख आदमी तो हमने देखे है कि मैं अच्छी बात कह दो कि मैं ईशा कह दो जिस तरह उन्हें सीख मिला है। अगर यही बात जरूरी है ही नहीं बातों का मतलब तारा मतलब नहीं होना चाहिए भाई। हाँ स्वाद आना चाहिए, वह नहीं कहेगा स्वाद आना चाहिए बस। हरियाणा वाले का मतलब है स्वाद लेने का, चाहो कम टिकड़े तोड़ गाओ। उस स्वाद लेने का चक्कर में ही भाईचारा लग रहा खराब होना। जितने भी उन्हें अच्छे काम कर रखे है नी दोनों पार्टियां ने दोनों तीनों जो भी हुए उन सारे अच्छे काम पानी फेरन लग रहे, मैं धक्का जमा खामे खाई जिसका कोई मतलब नहीं। नूं नहीं समझ मेरी मुद्दा के उठ रहा, मुद्दा नहीं समझ किसे भाई का, जो मुद्दा समझ में आ रहा नहीं हो मुद्दा एक बार क्लेरिफाई कर दो किस बात पर। यार देश का बालक हो है ठीक है, गलत बात है उसकी उसकी पोस्ट गेड़ी जब अगले ने नहीं पब्लिकली अनाउंसमेंट कर रखी थी तो उसकी के जरूरत थी। चल उसकी गेट दी उसकी कौन अच्छी लगी उसकी कह दिया तू इसकी कैट दे तो उसकी कैट देनी चाहिए थी। बात और एक दो आदमियों का पर्सनल मैटर था और पूरा हरियाणा में एग बालन का काम करने लग रहा हूं। जो असली मुद्दा है किसानों का वो दबन लग रहा है इस चक्कर में ठीक है। किते देख ले ट्रेंडिंग में यह वीडियो पाऊंगी ना कि किसान से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाऊंगी। अरे मैं कहूं भाई एक तो कोई भी जो भाई जानकार है या फिर किसी का भी जानकार है जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है इन बिलों पे एक बढ़िया ही वीडियो बनाकर डाल दो जिसकी पार्टी से मतलब नहीं हो किसी से भी, ना बीजेपी से हो ना कांग्रेस से ना जेजेपी से, किसी से मतलब नहीं हो। किसान नहीं तो ऐसी कोई भी बंदा है जिसकी इन बिलों की प्रॉपर जानकारी है तो अपनी वीडियो बनाकर मैंने बेसक टैग करके डाल दिया, मैं उसकी वीडियो देखना चाहूँ क्योंकि बहुत भाई से हैं अगर किसान ना कहे पक्ष में बोल दे मैं वहाँ तो उन्हें कह दिया कांग्रेस ही है, और किसान ना खिलाफ बोल दे वहां बिलों का पक्ष में बोल दे पा वहां तो उन्हें कह दिया है यू बीजेपी का है जेजेपी का है। इन बातों की वजह से बहुत से भाई होंगे आपस में तकरार हुआ है मेरा शामी हुई है बहुत ऐसा वैसी शुरू हुआ है ठीक है। देखो विपक्ष का काम करना है सत्ताधारी पार्टी कोई भी बिल लेकर आगे विपक्ष का काम है उसका विरोध करना तो कांग्रेस वो अपना काम कर रही है ठीक है। सही है गलत है वह चीज बाद की है, वह विपक्ष में बैठी है तो उसका काम है विरोध करना। अभय चुटाला खुद देवीलाल परिवार से है, दुष्यंत सिंह चुटाला खुद देवीलाल परिवार से, दोनों ने देवीलाल का नाम पर वोट मिले हैं। दुष्यंत उस बिल ने सही बताने लग रहा है, अभय सिंह चुटाला उस बिल ने गलत बताने लग रहा है तो इन बिलों का चक्कर में इन बिलों ने राजनीतिक स्तर पर ना देखो सबसे पहली बात। इन बिलों पर बात करनी है तो किसान नीति सीओ का बात कर लो अगर किसी ने अच्छी तरह जानकारी है इस चीज की, बहस ना लाओ बिना काम की ठीक है। और रही बात इन फालतू के मुद्दे ने टूल देने की बजाय कोई अच्छी वीडियो मिले नहीं, अच्छी वीडियो मिले दिन में एक शेयर कर दे करो वहा इन फालतू के मुद्दे शेयर करने की बजाय ठीक है। अरे भाई ये गुड गुडिया का तमाशा हो रहा है जो हरियाणा में इतनी तो कर दो बंद, जो काम की बात है वह काम की बात कर लो। जे उस काम की जगह पर उस अपनी कौम का साथ में कितने खड़े हो जाओ तो खड़े हो जो यहाँ जो गुड़गुड़िया के तमाशे बनाए रखे नहीं कोई किमे कवा कोई किमे कवा है, बिना काम के मुद्दे में इतनी हवा दे दिए हैं जो काम की बात है उसकी को छिड़ता है को नहीं तो भाई बंद कर दो इन चीजा ने ठीक है। और रही बात है पब्लिकली कहूँ जितने भाइयों लग भी जाओगे कहूँ हूँ सिंपल तरीका मैं कहूँ हूँ किसी भी भाई ने मेरी कितने भी जरूरत हो किसी भी प्रकार से जरूरत हो भाई फोन कर लियो ठीक है। जितनी मेरे पास सोशल सर्विस हो सकेगी, फाइनेंशियली निकंदा भाई मैं क्योंकि जिस अगर मेरा ब्याह होता ओड़ा तो उस पर भी नहीं बस दे, किसी ने खान की या फिर किसी ने मेडिकली सुविधा की जरूरत हो तो भाई जरूर याद करियो, जरूर या बात जरूर आगे पहुँचा दियो और चाहे बात पहुँचो चाहे ना पहुँचो। किसी भाई ने मेडिकल सुविधा की जरूरत है, कोई परिवार ऐसा है जो अपना मेडिकल खर्चा नहीं उठा पा रहा क्योंकि बहुत
पंचर भाई अपन इसे मिले हैं जिस तीन बात कही है भाई, फाइनेंशियली अपन हेल्प नहीं कर सकते हाँ, लेकिन किसी का मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, किसी परिवार में कोई बंदा इतना मेडिकली प्रॉब्लम है उसका और वो परिवार उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो भाई ओड़ा वे शिकायत कर लियो। किसी परिवार में खान पीन की दिक्कत है, नाज की चून की इन चीज़ों की दिक्कत है, ओड़ा याद कर लियो भाई। फाइनेंशली ज़्यादा भी उतनी है भाई, खुल कर गवा हाँ, लेकिन जितना कहे समाज तक पीछे को नहीं हट दे, जो भी कर सकेंगे समाज खातर जरूर करांगे। लेकिन मेन चीज़ें दो, कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भी परिवार अगर बीमारी से जूझ रहा है तो उसके हेल्प करने खातर जाओ, या फिर मैंने बताया दियो भाई, इतना कष्ट कर दियो मैंने बताया जरूर दियो भाई, ओड है उस बंदा का ज्यादा दिक्कत है, उसका परिवार इतनी कमजोर हालत तक गुजर रहा है, उसका इलाज नहीं करा पा रहे, क्योंकि भाई मैंने खुद ये चीज फेस करी है, ठीक है, ये चीज फेस करी है। जदे मैं आज इन चीजा में न्यू चाहू, चलो मेरा नहीं था कोई हेल्प करने को नहीं आया, लेकिन मैं चाहू मैं किसी की हेल्प करूं, तो भाई इन दो मुद्दों में किसी भाई का खाने की दिक्कत हो और मेडिकली प्रॉब्लम हो तो जरूर याद करियो भाई, उन वीडियो शेयर करो ना करो, इन दो बातों खातर जरूर शेयर कर दियो, अरे इन्हें मुद्दों में चलना अपन है, किसान कौम गला खड़ा होना है और किसी गरीब की हेल्प करनी है भाई, दो ही मुद्दे हैं अपने, फालतू अपन है फालतू के गुड़गुड़िया तमाशा बड़े कर देना अपन है, कोई इंटरेस्ट इन चीज़ों में, ठीक है, इन बातों खातर या वीडियो ग्रुपा में शेयर कर दो भाई, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा वीडियो, इन्हें बातों गला राम राम, जय जवान जय किसान।